ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्मार्ट कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज हमने देखा कि मार्केट की जो सूरत हाल रही काफी मायूस कुन रही और स्टार्टिंग मार्केट थोड़ा सा प्लस स्टार्ट रही, लेकिन चूंकि हम काफी दिनों से देख रहे थे कि मार्केट 40,850 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं कर पा रही थी। आज हमने देखा कि मार्केट का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था 40,600 का लेवल, मार्केट ने जैसे ही उसको ब्रेक किया इसके बाद मार्केट में हमने एक गिरावट देखी 40,436 तक और मार्केट फाइनली क्लोज रही 40,510 तक, 273 पॉइंट मार्केट नेगेटिव के साथ क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में भी कमी रही है, तकरीबन देखा जाए तो 126 मिलियन के वॉल्यूम्स में जो कल के वॉल्यूम से कम थे, कल 158 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा भी अगर हम यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स और टॉप गेनर्स देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, टॉप वॉल्यूम लीडर जिसमें आज WTL, OGDC, TPLP यानी सारे फेरिस रहा, टॉप गेनर्स में यूनिलीवर पाकिस्तान, पाकिस्तान सर्विसेज ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो रिफान मेस और सफायर टेक्सटाइल ये टॉप डिक्लाइनर्स रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम सेक्टर्स में एक यानी कि परफॉर्मेंस मिला जुला रुझान रहा, कॉर्नर स्क्रिप्ट आपके चलते रहे, उनसे इंडेक्स आपके कंट्रोल होता रहा और कुछ स्क्रिप्ट के हवाले से हमने नेगेटिविटी भी देखी। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में मिसलिनियस स्टॉक आपके टॉप पे रहे 68 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस के हवाले से यानी कि 150 पॉइंट नेगेटिव, जबकि टेक्नोलॉजी के 95, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, तमाम सेक्टर्स में हमने यानी कमी देखी। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स कंपनीज देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, HMB इनके पॉइंट्स एड ऑन होते रहे, जबकि सिस्टम के, OGDC के, PPL, पोल के, PSO के इनके हमने यानी कि पॉइंट्स डिक्लाइन देखे। आज रिजल्ट भी थे और रिजल्ट में भी अगर देखा जाए तो काफी रिजल्ट यानी कि बेहतर भी आ रहे थे, लेकिन रिजल्ट के बावजूद भी हमने देखा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक नजर आया और उसके बाद भी गिरावट हुई। जैसे कि सिटी फार्मा का 1.29 रुपए की EPS रही, लास्ट टाइम से काफी अच्छी EPS थी, जबकि अटक रिफाइनरी की अगर हम देखें तो 78.70 रुपए की EPS रही और लास्ट टाइम से काफी बेहतर EPS थी। हमेशा याद रखें जो कंपनी अगर पे आउट नहीं देती है, डिविडेंड बोनस नहीं देती है और बड़ी अच्छी अर्निंग बताती है तो वो अर्निंग उसकी बुक वैल्यू में ऐड होती है और उसकी बुक वैल्यू में इजाफा होता है, फिर आगे चल के वो कंपनी या तो कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करती है, कोई एक्सपेंशन की तरफ जाती है, कोई अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अटक सीमेंट में 4.24 रुपए की EPS रही और लास्ट टाइम से बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हवाले से भी काफी बेहतर रिजल्ट था, जबकि 20 रुपए का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसके साथ ही देखें तो आज सुबह से जो मार्केट जब स्टार्ट रही तो स्टार्टिंग से कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रही थी, जिसमें देखा जाए तो IMF से रिलेटेड यानी कि मामला चल रहे थे कि IMF पाकिस्तान के हवाले से यानी कि काफी चीजें जो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। सबसे पहले आलमी मालियाती इदारे IMF की ने सिगरेट की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त से 80 अरब की टैक्स चोरी पर तश्वीश का इजहार किया, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस भी दिया और इसी जो गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी दी है। इसके अलावा IMF का एक और मुतालबा था कि इन्फ्लेशन हाई हो चुकी है तो मॉनेटरी पॉलिसी के यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जाए, तो काफी दिनों से इसको डिले किया जा रहा था, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ये तय कर चुकी है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है 2 मार्च को होगी, जिसमें 2% और मैक्सिमम 3% का इजाफा किया जा सकता है, यानी कि ये वक्त से पहले इजाफा किया जा सकता है। इसमें काफी सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि फिलहाल 1% का इजाफा करें और फिर 16 मार्च को जो मीटिंग होना थी वहां 1% का यानी स्लोली ग्रेजुअली इजाफा करें, लेकिन खैर IMF का ये मुतालबा पूरा करना होगा, गवर्नमेंट इस चीज को मान चुकी है। इसके अलावा यही वजूहत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का और IMF के साथ जो स्टाफ लेवल का जो मुआहदा था वो ताखिर का शिकार हुआ। गुज़श्ता रोज IMF के दरमियान मुज़ाकरात ना हुए, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा 9 फरवरी को होना था जो कि काफी डिले हुआ। इसके अलावा कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की कई शर्त पर अमल दरामद करना लाजमी है और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे का भी ऐलान करना होगा। इसके साथ ही हुकूमत को सेल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन भी करना होगा। ये सारी न्यूज देखा जाए तो मईशत के हवाले से
जो अगर हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है तो इन चीजों को करना पड़ेगा। इसके अलावा शिंगाई थर्कोल से बिजली की पैदावार शुरू करने के हवाले से मामला हुए, IMF के साथ मामला टेप आ गए, ये हमारे लिए एक अच्छी और प्लस पॉइंट है। अगर पॉलिटिकल साइड पर देखें तो पॉलिटिकल साइड पर अभी तक देखा जाए तो इन 10 माह के अंदर एक तसादुम की एक फिजा कायम है। आज भी इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ केसेस थे, 2 केसेस थे जिसमें जमानत भी हुई, और फिर देखा जाए तो तोशा खाना के हवाले से गिरफ्तारी का वारंट भी नाकाबिले जमानत वारंट भी इशू कर दिया गया। बहुत बड़ा यानी कि एक तो ये मसला है क्योंकि इस तरह के जो लीडरों के ऊपर केसेस होते हैं और जब एक पब्लिक की पजीराई हो किसी लीडर के साथ तो फिर इस तरह की चीज होती है, तो ये तो वही बात होगी कि शेत के छत्ते में हाथ डालना और यानी कि आवाम के अंदर एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करना। तो खैर देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है वो यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए यानी कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए, तोशा खाना केस के वाले से जो जमानत के प्रॉब्लम से उसके लिए समाअत मुकर्रर हो चुकी है। इसके अलावा आज यानी कि देखा जाए तो पंजाब KP के असेंबली में इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो फरीकीन को जो टाइम दिया गया था उसमें इत्तफाक ना हो सका, अब फाइनली जो यानी सुप्रीम कोर्ट है ये फैसला करेगी कि इलेक्शन की जो डेट है उसको उसके बारे में फैसला करेगी। लेकिन अगर ये इलेक्शन की डेट फाइनल हो जाती है तो ये अच्छा है क्योंकि देखिए 10 महीने से एक तसादुम की फिजा है जो कि ना सिर्फ हमारी मईशत को खा रही है और हमारे मुल्क का तबाह बर्बाद कर रही है, क्योंकि ये सारे केसेस चलना इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, लोग की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें गिरावट भी होती है इन चीजों की वजह से। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है अगर ये मामला तय हो जाते हैं तो ये बेहतर होगा, अगर कोई अनसर्टेनिटी की फिजा होती है तो ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76.93 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में हमने इजाफे की बात की थी कल और आज $1.25 का इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल 78 से लेके $80 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। 74 का जो लेवल होगा यानी कि स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, गोल्ड में $7 का डिक्लाइन हुआ है, 1817 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर ट्रेड कर रहा है $20.68 के पास ट्रेड कर रहा है। मुसलसल गोल्ड सिल्वर में हमने डिक्लाइन की कॉल दी थी और गोल्ड सिल्वर आपका थोड़ा हाई जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा गिर जाते हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी आज थोड़ा सा गिरा है क्योंकि 5.5 तक जा चुका था और लास्ट डे है मंथ क्लोजिंग का, उस हिसाब से गोल्ड सिल्वर में यानी कि थोड़ी सी अगर रिकवरी आती है तो फिर हाई साइड पे फिर सेल करने का मौका मिलेगा और डॉलर आपका थोड़ा सा गिर सकता है। इसके अलावा करेंसीज में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में डॉलर में आज स्लाइटली इजाफा हुआ, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का डॉलर मुसलसल इंटर बैंक में गिर रहा था, इंशाल्लाह मंथ एंड है नेक्स्ट मंथ से हम फिर देखेंगे कि डॉलर पाकिस्तान के अंदर यानी कि देखा जाए तो 255 से लेके 250 की रेंज तक ट्रेड करते हुए नजर आएगा, क्योंकि IMF के साथ मुजाकरात जारी है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड ट्रेड कर रहा है वो भी ओवरबोर्ड साइड पर ट्रेड कर रहा है, तो उसमें भी यानी कि एहतियात बरतनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 40,650 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 40,351 हमारा यानी कि सपोर्ट लेवल है। इस वक्त इंडेक्स को अगर हम देखें तो 40,510 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा है और अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो मार्केट 407 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि पूरे साल के हिसाब से 2488 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखें मार्केट का जो अहम सपोर्ट लेवल था 40,600 का लेवल, मार्केट उसको ब्रेक कर चुका है, मार्केट अहम सपोर्ट लेवल ड्रिल कर चुकी है, डिक्लाइन कर चुकी है। इंडेक्स की जो रेंज है अब जब तक 40,600 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होता है मार्केट आपकी यानी कि रिकवरी की तरफ या अपसाइड की तरफ नहीं जा सकती। मार्केट 40,600 को मेंटेन नहीं करती है, मार्केट में कोई इनसाइड न्यूज या कोई टेक्निकली कोई भी वजूहत बन जाती है जिसकी वजह से कि मार्केट 40,600 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो मार्केट के पास रूम होगा कि मार्केट 40,500 से लेकर 39,800 तक मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। तो आपने करना यही होगा कि कल अगर स्टार्टिंग में सुबह 10 बजे तक 40,600 का लेवल मेंटेन हो तो 500 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज अगर 40,600 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होता है तो फिर आपने बाइंग नहीं करनी, अपने बाइंग को स्टॉप करना है क्योंकि मार्केट मजीद करेक्शन को जो है कंटिन्यू करेगी। 40,000 यानी कि 300 से लेके 40,039,800 तक मार्केट अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी, उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती है, अगर कोई पॉलिटिकल साइड पर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो फिर ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यानी कि मंथ के चार्ट के ऊपर देखें तो आज मंथ के चार्ट के ऊपर लास्ट डे था और क्लोजिंग के एतबार से अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट देखा जाए
तो 800 पॉइंट मार्केट 800-900 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड साइड की पे क्लोज रही है। मंथ की क्लोजिंग काफी बेहतर नहीं रही है क्योंकि लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग थी वो काफी बेहतर थी जिसमें 252 पॉइंट का इजाफा हुआ था। इस मंथ में 162 पॉइंट की कमी हुई है। अब मार्केट के पास यही होगा कि मार्केट जब तक 40,800 का लेवल मेंटेन एंड सस्टेन नहीं करेगी, फिलहाल मार्केट के अंदर हम यानी अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर जैसे ही 40,800 का लेवल मेंटेन हो जाता है तो फिर 41,000 से लेकर 42,000 का लेवल मेंटेन करेगी, लेकिन अदरवाइज जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो कल की मूव बताई गई है वो यही है कि 40,600 हमारा यानी कि की लेवल होगा। इससे ऊपर मार्केट है तो मार्केट ने रिकवरी की तरफ जाना है और मार्केट रिकवरी की तरफ रहेगी। अगर मार्केट 40,600 के लेवल को मेंटेन नहीं करती तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 40,300 से लेकर 39,800 का एरिया टेस्ट कर सकती है। बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करें, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में आज भी कुछ कॉल्स दी गई, सेल कॉल भी दी गई और कुछ कॉल्स के बारे में बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका टारगेट अचीव हुए। इसके अलावा इंडेक्स के हवाले से टाइम बाय टाइम यानी आगाही दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है कि अब इंडेक्स ने यहां मूव करना है। उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आपके डिलीवरी के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं हाई प्राइस के उनमें आप थोड़ा सेल कर लेते हैं फिर दोबारा उन्हीं स्टॉक को रीबाय कर लेते हैं। इस वक्त की सिचुएशन ये कि कैश को होल्ड रखें, फिलहाल न्यू बैंक की तरफ ना जाएं। सेकंड नंबर भी अगर आपके पास होल्डिंग है और मार्केट अगर मिसाल है जो सपोर्ट और सस्टेन लेवल आपको बताए जाते हैं और मार्केट अगर रिस्टेन लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही तो आप अपनी होल्डिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और उन्हीं स्टॉक को रीबाय कर सकते हैं डिप पर जो सपोर्ट लेवल बताई गई और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी कॉस्टिंग कम हो रही होती है। मार्केट जब तक ये अदालती मामला और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है मार्केट इसको लेके थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगी, लेकिन जैसे ही मार्केट अगर अपने आप को सस्टेन कर लेती है रिस्टेन लेवल तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लेवल में देखेंगे कि मार्केट रिकवरी की तरफ होगी और मार्केट में रिकवरी का बेस बनेगी। इस वक्त मार्केट देखा जाए तो 45% ओवरसोल्ड है, मजीद जगह है मार्केट के अंदर अपने आपको करेक्ट करने के लिए। तो बड़ा एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें और मेरी टीम से रब्ते में आप रह सकते हैं, इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की भी गाइडलाइन लेनी हो तो आप इनको कॉल करें, आपको ये गाइड करेंगे, आपको आपके स्टॉक के हवाले से आपको मुफीद मशवरे देंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए मोहम्मद दानिश को कॉन्टेक्ट करें और अपने आपको स्पेशल ग्रुप में एड करवा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।